उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की एक और मुहिम रंग लाई है। टाटा ग्रुप के प्रमुख रतन टाटा ने अनिल बलूनी के उत्तराखंड में कैंसर अस्पताल बनाने के निवेदन पर जवाब दिया। रतन टाटा ने कहा कि वो जल्द ही उत्तराखंड में कैंसर हॉस्पिटल को लेकर संभावनाओं पर सूचित करेंगे। यानी कि रतन टाटा एंड ग्रुप चर्चा कर रहा है, चिंतन मंथन कर रहा है कि वो क्या इस पर कर सकते हैं और एक सकारात्मक संदेश। ये बहुत बड़ी राहत, एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा उत्तराखंड के लिए, क्योंकि अब तक इस तरह के मरीजों को भटकना पड़ता था, देश के दूसरे कोनों में जाना पड़ता था। ऐसे में उत्तराखंड में एक अपना कैंसर हॉस्पिटल बनाने की ये तैयारियां हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। उन्होंने टाटा ट्रस्ट से संपर्क किया, एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब बहुत पॉजिटिव आया है, बहुत पॉजिटिव जवाब आया है। और रतन टाटा ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो पूरी की पूरी संभावनाओं पर तहकीकात करें, चर्चा करें। आप लोगों को जानकारी है, जब मुंबई में मेरा इलाज चल रहा था तब मैं अक्सर सोचा करता था कि उत्तराखंड के जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको भी कैंसर जैसी बीमारी में लड़ने के लिए ऐसा ही इलाज मिल पाता तो कितना बढ़िया होता। उस वक्त मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस ओर प्रयास करूंगा और मैं टाटा ट्रस्ट और टाटा कैंसर हॉस्पिटल के तमाम अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करता रहता था। विगत दिनों मैंने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा साहब से भी आग्रह किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा कैंसर संस्थान खोलने में अगर सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रतन टाटा साहब का मुझे जवाब आया है, उन्होंने इसमें सकारात्मक रुख रखा है और उन्होंने अपने अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इस बारे में कार्य आगे बढ़ाया जाए। हमारी राज्य सरकार भी इस ओर बड़ी गंभीर रही है और जुलाई 2017 में टाटा ट्रस्ट के साथ एक MOU भी साइन किया गया था। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड के अंदर एक बेहतरीन कैंसर संस्थान खोलने पर काम करेंगे और इस दिशा में समय समय पर जो भी प्रगति होगी आप लोगों को मैं उससे अवगत कराता रहूँगा।